सिर्फ जात देखकर अगर बैठाने का काम हो, लालू यादव जी का बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री बने? जात देखकर मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं होना चाहिए, गलत चर्चा है। कुशवाहा जात का होना चाहिए, फलाने जात का होना चाहिए मुख्यमंत्री, लोग चर्चा करते रहते और इसी क्रम में बोल देते हैं कि अब भूमिहार मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, राजपूत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। यह गलत चर्चा है, दोनों चर्चा गलत है। जिसके अंदर पात्रता हो, योग्यता हो, जनता आशीर्वाद दे, तो किसी जात का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन कोई किसी परिवार में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, कोई किसी जात में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, एक चर्चा और लोग करते रहते, एक चर्चा और लोग करते रहते कि अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए और अमुक जात का मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। दोनों चर्चा होती है, अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कुशवाहा जात का होना चाहिए, फलाने जात का होना चाहिए मुख्यमंत्री, लोग चर्चा करते रहते और इसी क्रम में बोल देते हैं कि अब भूमिहार मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, राजपूत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। यह गलत चर्चा है, दोनों चर्चा गलत है। जात देखकर मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं होना चाहिए, गलत चर्चा है। क्यों नहीं? किसी समाज का मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर पात्रता हो, योग्यता हो, जनता आशीर्वाद दे, तो किसी जात का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। सिर्फ जात से कोई है और इसके चलते मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसे डेमोक्रेसी चलता है क्या? और इस तरह से जनता का कल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सिर्फ जात देखकर अगर बैठाने का काम हो, लालू यादव जी का बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री बने? योग्यता हो तो मुख्यमंत्री बने, पात्रता हो तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई किसी परिवार में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, कोई किसी जात में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, यह बात डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। यह बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी आत्मा के खिलाफ बात है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन कितनी क्षमता के साथ क्या कर सकता है, किन विचारधारा के साथ लैस व्यक्ति जाएगा तो कल्याण होगा, अगर इन चीजों को हम विचारधारा से जोड़कर नहीं देखेंगे, व्यक्ति की योग्यता, कर्मठता और विचारधारा को एक साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, सिर्फ जात की बात करेंगे, तो भले कोई मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन जनता वही रह जाएगी जहां जनता आज खड़ी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि विरासत